हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवली और आप सबका स्वागत है मेरी किचन में। आज हम बनाएंगे फ़िश फ्राई, मसालेदार फ़िश फ्राई बनाएंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कुछ भी झंझट नहीं है। चलिए फटाफट देख लेते हैं कैसे बनाना है। फ़िश फ्राई के लिए सबसे पहले हमें मसाला तैयार कर लेना है। मैंने एक कटोरी लिया है मसाला बनाने के लिए। सबसे पहले डाल देंगे स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर, मैंने एक टीस्पून भर के डाला है। इसके साथ डालेंगे 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर। इसके साथ डालेंगे हम धनिया पाउडर, यहाँ पर हम 1/2 टीस्पून भर के डालेंगे धनिया पाउडर। इसके साथ साथ हमें डालना है गरम मसाला, ये 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम शाही गरम मसाला है। और इसके साथ डालना है हमें लहसुन पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम लहसुन पाउडर डाला है। और 1/4 टीस्पून अदरक पाउडर डाला है। आप चाहे तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, एक टेबल चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट ले लीजिएगा। यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून भर के कॉर्नफ्लोर और डालेंगे 1 टीस्पून चावल का आटा। इसके साथ साथ हम डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते मैंने लिया है 4-5 कड़ी पत्ते लिया है बारीक बारीक काट के, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें लेना है थोड़ा सा विनेगर या तो थोड़ा सा नींबू का रस। मैं 1 टीस्पून विनेगर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी नींबू नहीं है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास दोनों ही अवेलेबल ना हो तो। अभी हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून नमक चाहिए हमें। हो चुका है हमारे मसाले के सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डाल लिया है। अभी हमें मसालों को मिला के एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और अच्छा सा एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करेंगे। ये जो बना रही हूँ मैं, ये 1/2 किलो मछली के लिए है। हमारा मसालों का पेस्ट तैयार है। अभी हम मसालों को मछली में कोट करेंगे। इसको साइड में रखते हैं और ये देखिए हमारी मछली, 1/2 किलो मछली है। इसमें 3 पीस मछली है, मतलब ये नाइलोटिका मछली बोलते हैं इसको। मैंने बहुत अच्छे से काट कर धो लिया है, बहुत अच्छे से धोया है मैंने नमक पानी से। और आप देख सकते हैं मैंने ये कट लगाया है। ये कट मैंने इसलिए लगाया है ताकि मसाला मछली के अंदर तक जितना हो सके अंदर तक पहुँचे मसालों का स्वाद। ऐसा करके कट के अंदर तक और हर तरफ से मसालों को बहुत अच्छे से लगा देना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हर तरफ से अच्छे से मसाला अंदर तक घुसे, ऐसा करके हम मसाला लगा देंगे। और ये जो मुंडी का ये जो हिस्सा है ना, इसको कान को बोलते हैं। इसके अंदर मछली का फिल्टर होता है, इससे पानी फिल्टर होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गंदगी रहती है, तो ये बहुत अच्छे से घस घस के धोना है। और अगर धोने में किसी भी तरह की शक हो आपको तो इसको आप पूरा निकाल के फेंक दे। ये देखिए ये हिस्सा, अगर धोने में कुछ भी आपको शक हो तो ये निकाल के आप फेंक दे। मैंने बहुत अच्छे से घस घस के बहुत अच्छे से धो लिया है, इसमें कोई भी शक नहीं है मुझे। तो एक मछली को मैंने मसाला अच्छे से लगा दिया है, आप देख सकते हैं पूरा लग चुका है। अभी इसी तरह से बाकी मछलियों को भी हम मसाला लगा के तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं 3 पीस मछलियों को मैंने बहुत अच्छे से मसाला लगा लिया है। अभी हम इनको 15 से 20 मिनट के लिए वेट कराएंगे, उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। मैंने हीट चालू कर दिया है और फ्राई पैन बिठाया है, तेल डाल रही हूँ। फ्राई पैन को बहुत ज़्यादा मैंने गर्म कर लिया। फ्राई पैन को बहुत ज़्यादा गर्म करना ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो फ्राई पैन है ये नॉनस्टिक का नहीं है। और बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये बिल्कुल धुएँदार गर्म होगा, मतलब इससे धुआं निकलेगा तेल से। तो इससे क्या होगा, फ्राई पैन बिल्कुल नॉनस्टिक जैसा काम करेगा। आप अगर नॉनस्टिक का फ्राई पैन ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी तरह नॉनस्टिक के बिना बनाना चाहते हैं तो फ्राई पैन को बहुत ज़्यादा गर्म कीजिए, उसके बाद इसको थोड़ा ठंडा कीजिए। क्योंकि इतना गर्म तेल में हम अगर कुछ डाल देंगे तो वो बिल्कुल जल जाएगा, इसीलिए हीट को ऑफ कर दें, नहीं तो लो कर दें। लो करके थोड़ा सा ठंडा कर ले, उसके बाद आप इसमें मछली डालें। आप देख सकते हैं तेल थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है ये। तो जितना आ जाएगा फ्राई पैन में उतना हम मछली डाल देंगे।
और एक साइड जब अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा तभी हम इनको पलटेंगे, तुरंत ही इनको चम्मच नहीं चलाएंगे। एक साइड अच्छे से प्रोमिनेंट होने देंगे ताकि मसाला निकले ना और मछली भी टूटे ना। उसके बाद हम इनको पलट देंगे, धीरे से पलटेंगे ताकि मछली टूटे ना। आप देख सकते हैं मछली नीचे से बिल्कुल भी लगी नहीं है और बिल्कुल भी टूटी नहीं है, बहुत अच्छे से ये नीचे से निकल आई है। और ऐसा करके हम मछली को बहुत अच्छे से इधर उधर पलट पलट के फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा नीचे से ये कोटिंग प्रोमिनेंट होकर बैठ गया है, क्योंकि इस मछली में मुंडी है तो मुंडी को थोड़ा सा प्रेस करके हम कुक करेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए। हीट मीडियम पर रखा हुआ है, मुंडी को थोड़ा थोड़ा प्रेस करते रहेंगे स्पैचुला से, हल्के से, ज़्यादा नहीं ताकि मुंडी टूटे ना। थोड़ा थोड़ा करके, हल्का हल्का करके प्रेस करेंगे और ऐसा करके फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसा कर रही हूँ मुंडी को, ऐसा ही करना है क्योंकि मुंडी हमने काटा नहीं है, दो हिस्से में डिवाइड नहीं किया है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान करके इसको कुक करना है। दोनों साइड पलट पलट के मुंडी को प्रेस करके ऐसा करके हमें मछली को फ्राई कर लेनी है, और मछली अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद हम इनको निकाल के ले लेंगे दूसरे प्लेट में। और एक पीस मछली हमारी बची है फ्राई करने से, वो भी इसी फ्राई पैन में हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये भी मैंने बिठा दिया है और सारा हमारा फ्राई हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए, तीनों मैंने फ्राई करके ले लिया है और प्लेट में ले लिया है। दिखने में कितना बढ़िया दिख रही है, बहुत ही बढ़िया दिख रही है, और खाने में स्वाद में ये बहुत ही लाजवाब बनी है। आप भी इसी तरह एक बार फिश फ्राई बनाकर देखिए, आपको भी बहुत पसंद आएगी। और अगर आप मेरी रेसिपी को ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए यहाँ तक ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहे, स्वस्थ रहे और खाते रहे। बाय बाय।